जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राजोपीडिया में। मेरा नाम है राज और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम की डेफिनेशन क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और ये कैसे बनता है, इन सब के प्रैक्टिकल नॉलेज हम आज जानेंगे। तो जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को पूरा देखते रहिए। खोल लेते हैं एक्सेल शीट। ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले एक्सेल की ऑप्शन देखना होता है, क्योंकि एक्सेल में एक डेटा एनालिसिस नाम का एक टूल्स आता है जो कि आपका डेटा के अंदर आता है। ये देखिए साइट पे आप देख पा रहे होंगे डेटा एनालिसिस। अगर आपके सिस्टम में, अगर आपके एक्सेल में ये डेटा एनालिसिस का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप विंडोज 7 यूज करते हैं तो यहाँ पे इस बटन पे जाएंगे, क्लिक करके एक्सेल ऑप्शन में जाएंगे। एक्सेल ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे कस्टमाइज में जाएंगे। एडिंस में जाएंगे, एडिंस में जाके आप एनालिसिस टूल पैक वीवीए पे आके क्लिक कर देंगे और इसके बाद इसको गो करके ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा डेटा एनालिसिस का। उसके बाद भी अगर ऑप्शन नहीं आता है तो आप उस एक्सेल शीट को क्लोज करके दोबारा से एक एक्सेल शीट ओपन कर लें। एक्सेल शीट ओपन करने के बाद फिर आप कुछ इस तरह से लेंगे फ्रिक्वेंसी एंड बिन रेंज। फ्रीक्वेंसी में आप जो भी आपके स्कोर्स हैं या जो भी आपके नंबर से वो नंबर डाल देंगे। मैंने यहाँ कुछ रैंडम नंबर डाला है, 90, 80, 75, 65, 56, 65, 62 कुछ भी है जो मैंने एक यहाँ पे रैंडम नंबर डाला है। इसके साथ में आपको एक बीन रेंज लगाना होता है, क्योंकि ये हिस्टोग्राम जो होता है आपका एक क्लास इंटरवल शो करता है बीन रेंज के बेस पे। तो आपको बीन रेंज लगाना पड़ेगा जिसमें आपको ये चेक करना होता है कि आपका मिनिमम इसमें जो नंबर है वो क्या है, वहाँ से हम इसे शुरू करते हैं। तो वैसे तो इसमें मिनिमम नंबर आपका 56 है, लेकिन फिर भी मैंने 40, 50, 60 इस तरह से मिनिमम बीन रेंज में 40 लिया है। 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। आप चाहें तो इसे 40, 45 भी कर सकते हैं, 40 के बाद 85, 60, 65, 70, 75, 80, 85, माफ कीजिए 85 नहीं 86 हो रहा है वो 85, 90, 95 और 100 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 का रेंज लिया था, चलिए हम आपको 5 का रेंज पे लेके बिन रेंज पे लेके चल के दिखाते हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट। इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर एक बिन रेंज ले लेते हैं। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। आप चाहें सीधा कंट्रोल एक्स भी कर सकते हैं। अब हमें क्या होता है, डेटा हिस्टोग्राम बनाने के लिए ऊपर डेटा पर क्लिक करना पड़ता है। यहाँ डेटा एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे। डेटा एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम का एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम पे क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको इनपुट रेंज में पूरा का पूरा फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करना होगा और बिन रेंज में आपको ये बिन रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इसे सेलेक्ट करते हैं, साथ में आपको यहाँ पे चार्ट आउटपुट में क्लिक करना पड़ेगा। इसको आउटपुट में क्लिक करने के बाद आप जब ओके दबाएंगे तो एक नई शीट खुल के नई उसी एक्सेल में एक नई शीट बन जाएगी और वहाँ पे आपका एक हिस्टोग्राम का एक चार्ट बन जाएगा। साथ में आपके यहाँ पे बीन रेंज में फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगा। ये आपको ये शो कर रहा है, ध्यान रखेंगे, माफ कीजिएगा थोड़ी सी मौसम की वजह से गले में खराश है। ये आपको ये दिखा रहा है कि 40 से लेकर 55 तक में नंबर्स की फ्रीक्वेंसी केवल 0 है, लेकिन 60 से लेके
64 के बीच में, यानी 65 मैंने अलग ले रखा था, तो 60 से लेकर 64 के बीच में दो नंबर्स हैं, 65 से लेके 69 के बीच में तीन नंबर्स हैं, 71 है, 70, ये आपका एक फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। तो क्या होता है कि हिस्टोग्राम आपका फ्रीक्वेंसी ही चेक करता है, माफ कीजिए, ये सब यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ कॉपी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बड़ा दिखेगा, मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। चलिए ठीक है, वो फिलहाल किसी वजह से डिलीट नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका हिस्टोग्राम होगा, जहाँ आपका ये हिस्टोग्राम का एक चार्ट है। तो हिस्टोग्राम का मतलब यही होता है कि आपके पास जितने भी फ्रिक्वेंसी थे, जितने भी बीन रेंज थे, उनका फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी कितनी बार क्लास इंटरवल शो कर रहा है। ये आपका बिल्कुल क्लास इंटरवल शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 60 के पास दो फ्रीक्वेंसी दो है, यानी इंटरवल्स ये आपको शो कर रहा है 60 60। आप चाहे तो इसे 40 to 44 कर सकते हैं, 45 to 49 कर सकते हैं, आप इस तरह से बांट सकते हैं। तो इसी तरह की चीज़ों को जानने के लिए, उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, इसी तरह की चीज़ों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। तब तक के लिए जय हिंद।